तो फाइव मोस्ट पावरफुल विलेंस इन एमसीयू, ऐसे विलेंस जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। नंबर फाइव पर है थेनोस। ऑफ कोर्स थेनोस ने आते ही आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन एमसीयू में और भी इससे भी बड़े बड़े विलेंस है जो थेनोस को आराम से हरा सकते हैं चुटकियों में। नंबर फोर पर है हेला। अब हेला की पावर को मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, थोर रैग्नारोक में हम देख चुके हैं, जहां थोर अपने फुल पावर से और हल्क भी अपने फुल पावर से लड़ रहा था, फिर भी वो हेला को नहीं हरा पा रहा था और हेला ने चुटकियों में थोर का हैमर को तोड़ दिया था और इसे हराने के लिए लास्ट में एसगार्ड को तबाह करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर है सर्टर। सर्टर इतना डेडली विलन है कि हमें अब तक इसकी फुल पावर देखने को ही नहीं मिली है, इसने इतनी आसानी से अकेले ने एसगार्ड को तबाह कर दिया था। नंबर टू पर है ईगो द लिविंग प्लैनेट। इसकी पावर हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखी, जो कि कितना ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है उसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके दिमाग में ब्लास्ट किया तब जाके इसकी मौत हुई थी। नंबर वन पर है डोरमामू। डॉक्टर स्ट्रेंज वन में हमें डोरमामू से इंट्रोड्यूस कराया गया था और डोरमामू डार्क मैजिक का बादशाह और ये लिटरली कुछ भी कर सकता है यार।